जय हिंद दोस्तों। 65 लाख केंद्रीय कर्मी पेंशन भोगी और सैनिकों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। बता दें DADR 50% पर मोहर लग गई है। वित्त मंत्रालय ने आज अभी अभी जो आंकड़े जारी किए गए हैं AICPIN के, उससे मोहर लगती नजर आ रही है। बता दें जो AICPIN के आंकड़े आए हैं वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं और इसमें बड़ी खबर यह है कि जबरदस्त उछाल हुआ है AICPIN के आंकड़ों में। कितना उछाल हुआ है वो भी दिखाएंगे, प्रेस रिलीज जो जारी की गई है वो भी दिखाएंगे। वित्त मंत्रालय ने अभी अभी जो AICPIN के आंकड़े जारी किए हैं उसमें जबरदस्त खबर है। बता दें 65 लाख केंद्रीय कर्मी पेंशन भोगी और सैनिकों को इससे जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि हमारा डीए 50% पहुंचने के बाद हमें जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हमारा ये डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगी और उससे फायदा होगा। या तो सरकार बेसिक में मर्ज करेगी, नहीं तो 8th पे कमीशन लागू करेगी, 8th पे कमीशन को गठन करेगी। तो अगर 8th पे कमीशन गठन होता है तो 2026 में हमारा मर्ज होगा। अगर हमारा मर्ज कर दिया गया 50% में तो फिर हमें अभी फायदा मिल जाएगा। सबसे पहले बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ये अभी अभी 30 नवंबर 2023 को आंकड़े जारी किए गए हैं। बता दें जो AICPIN कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े जो जारी किए गए हैं, इसमें बढ़ोतरी हुई है 0.9 पॉइंट की, यानी कि जो आपके पिछले AICPIN के आंकड़े थे वो बढ़कर 138.4 हो गए हैं। इससे डीए और डीआर में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। बता दें पहले हमारे सितंबर महीने में AICPIN 137.5 था, अब बढ़कर 138.4 हो गया है। मैं आपको कैलकुलेटर से आपको जोड़कर बताता हूं कि डीए कितना हो गया है। तो कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर अक्टूबर महीने के AICPIN के आंकड़े 138.4 हो गए हैं, जो बढ़कर अब डीए आपका हो चुका है 49.08%। यानी कि अभी नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आने बाकी हैं, तो 2 महीनों में आपका 50% डीए उससे ऊपर जाएगा, 100% जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर AICPIN के आंकड़े नवंबर और दिसंबर में नहीं भी बढ़ते हैं, सेम रहते हैं, तब भी हमारा डीए 50% पार होगा। मैं आपको उसमें भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। नवंबर में मान लो मैंने अक्टूबर के ही 138.4 ही रखे हैं, 138.4 नवंबर में ही रहते हैं, तो 49.62% हमारा डीए हो जाएगा। और दिसंबर में 138.4 वही रहता है अगर AICPIN, तो हमारा 50.18 डीए हो जाएगा, यानी कि हमारा डीए जो बढ़ोतरी होगी वो सीधा सीधा 50% हो जाएगी। तो डीए 1 जनवरी 2023 से 24 से बढ़ेगा, लेकिन वो 50% की पूरी संभावना है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।